हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो टेक्वेरी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉसेट पे से मनी बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो कि रोहन ने क्वेश्चन किया था, सर हाउ टू ट्रांसफर मनी टू बैंक अकाउंट, वीडियो प्लीज अपलोड। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप फॉसेट पे से मनी अपना बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हो। सो फॉसेट पे से मनी बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेने के लिए आपको फॉसेट पे में लॉग इन कर लेना है एंड आपको एक मीडियम चाहिए जिसमें से आप जो क्रिप्टो करेंसी है उसको विड्रॉ बैंक अकाउंट में कर पाओ। इसलिए आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ बाइनेंस एक्सचेंज। तो जैसे कि मैं इस आर्टिकल पे भी लिखा था कि बाइनेंस एक्सचेंज से आप विड्रॉ ले सकते हो। सो बाइनेंस एक्सचेंज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाइनेंस एक्सचेंज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको फॉसेट पे आना है एंड बाइनेंस का एक एप्लीकेशन आता है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे प्ले स्टोर पे चलेंगे एंड सर्च करेंगे बाइनेंस। सो बाइनेंस यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, बाइनेंस पे भी लॉगिन कर लेना है एंड फॉसेट में भी लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फॉसेट में देख सकते हो विड्रॉ करके आ रहा है। सो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल विड्रॉल 4 आवर, प्रायोरिटी विड्रॉल 5 मिनट्स। सो प्रायोरिटी विड्रॉल चार्जेस ज़्यादा है, सो नॉर्मल विड्रॉल करेंगे। सो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे किस कॉइन को आपको विड्रॉ करना है, उस कॉइन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं TRX को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा TRX जो एड्रेस है यहाँ पर शो हो रहा है। सो इसको कैसे लिंक करेंगे, सो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा ऑलरेडी TRX जो एड्रेस है वो लिंक्ड किया हुआ है। सो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। सो मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस है, यहाँ पे नेम और लेबल है, यहाँ पे कॉइन है। सो यहाँ पे एड्रेस के जगह पे TRX एड्रेस डालना है। सो एड्रेस आपको बाइनेंस एक्सचेंज में मिलेगा। सो बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सो यहाँ पे मैं बाइनेंस एक्सचेंज पे लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली जाना है फिएट एंड स्पॉट में। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तो बाइनेंस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से आपको सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो फिएट डिपॉजिट है। सो इसको हम, मैं क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहा हूँ तो डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाह रहे हो उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। बिटकॉइन डिपॉजिट करना चाहते हो तो बिटकॉइन को सिलेक्ट करना है। डॉज कॉइन अगर डिपॉजिट करना चाहते हो तो डॉज कॉइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे TRX को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो TRX मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क दिखा रहा है। सो TRC20 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो TRC20 नेटवर्क सिलेक्ट मैंने कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है। सो एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी होने के बाद अब पेस्ट करना है फॉसेट में। सो यहाँ पे हम एड्रेस के जगह पे उस TRX एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। लेबल पे TRC20 देंगे। उसके बाद यहाँ से TRX कॉइन में से TRX कॉइन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिंक पे क्लिक करते ही TRX जो एड्रेस है वो लिंक्ड हो जाएगा फॉसेट पे में। फिर से यहाँ पे विड्रॉल पे आएंगे। सो ऐसे लिंक करके दिखाएगा, अगर पहले से ही लिंक है तो ऐसे दिखाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बाइनेंस के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला मेरा एड्रेस है और ये बाइनेंस एक्सचेंज मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये आया है। मैं सिर्फ एड्रेस पेस्ट किया, ये अपने आप लिंक कर लिया बाइनेंस एक्सचेंज के साथ।
ओके, उसके बाद विड्रॉ अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। सो ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फीस यहाँ पे लगता है 0.5 TRX, मिनिमम आपको 15 TRX विड्रॉ करना है। मिनिमम 15 TRX रहेगा तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे TRX को। हर एक टोकन के लिए अलग अलग है, सो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे आके। उसके बाद प्लेस विड्रॉ पे क्लिक करते ही कुछ देर बाद आपका बाइनेंस अकाउंट में जितना भी TRX या कोई भी बिटकॉइन अगर आप विड्रॉ किए तो बिटकॉइन आ जाएगा। बाइनेंस एक्सचेंज पे आने के बाद आपको बाइनेंस एक्सचेंज से विड्रॉ करना है बैंक अकाउंट पे। उसका प्रोसेस अब मैं दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो की एंड तक बने रहिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको जस्ट समझना है। सो यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज पे मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है P2P मेथड। सो P2P मेथड से हम विड्रॉ करेंगे बैंक अकाउंट में। सो इसके बाद जो प्रोसीडियर, मैं एक ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जो ए से मैं विड्रॉ लिया था वही प्रोसीडियर, सेम प्रोसीडियर फॉलो करके आपको करना है बाइनेंस एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में विड्रॉ। सो यहाँ पे थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको बाइनेंस वॉलेट पे आ जाना है। सो मोबाइल पे बाइनेंस एक्सचेंज ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक कर देना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट करके आ रहा है। सो स्पॉट वॉलेट में क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे बहुत सारा कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है। सो आप जिस कॉइन को विड्रॉ लिया उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इथीरियम को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इथीरियम है। सो यहाँ पे आपको इथीरियम USD पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सो बाइनेंस एक्सचेंज पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई एंड सेल कर सकते हो। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बाई करके आ रहा है एंड यहाँ पे सेल करके आ रहा है। सो यहाँ पे आपको सेल करना है तो सेल को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस को, अगर यहाँ से आप मार्केट प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिए अपने मर्जी के हिसाब से, देख लेना। अगर ज़्यादा अब सेलिंग प्राइस रखोगे तो बिकेगा नहीं। सो उस टाइम पे जितना प्राइस में सेल हो रहा है वो कॉइन, उस प्राइस में आपको सेल करना है अगर तुरंत विड्रॉल लेना चाहते हो तो। यहाँ पे मैं इथीरियम सेल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सेल ETH पे क्लिक करेंगे तो इथीरियम सेल हो जाएगा एंड वो कन्वर्ट होके आपको USDT मिलेगा। अब जो USDT आपको मिला है वो स्पॉट वॉलेट में मिलेगा, इसको आपको ट्रांसफ़र करना है P2P वॉलेट में। सो P2P वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? तो P2P वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर में स्पॉट वॉलेट है एंड नीचे में P2P वॉलेट है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे वॉलेट को सिलेक्ट कर लेना। सो ऊपर में रहेगा स्पॉट वॉलेट एंड नीचे में रहेगा P2P वॉलेट। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो BTC सिलेक्टेड है। सो इसको आपको यहाँ BTC के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है USDT। अब आपको पूरा चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेना है स्पॉट वॉलेट ऊपर में रहेगा, उसके बाद P2P वॉलेट है, उसके बाद यहाँ पे USDT रहेगा, इसके बाद यहाँ पे अमाउंट मैक्सिमम कर देना है, मैक्सिमम USDT को अगर सेल करना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करते ही आपका स्पॉट वॉलेट का USDT ट्रांसफ़र हो जाएगा P2P वॉलेट में। इसके बाद आपको P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। सो P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक बाई का ऑप्शन मिलेगा और एक सेल का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे सेलिंग पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे आप चेक कर लेना फिल्टर पे क्लिक करके। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो UPI, IMPS,
बाकी सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ से आपको आप अपना मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑल रख दीजिए और आप मैनुअली चेक करना ही सही रहेगा किस में आपको पेमेंट लेना है। सो सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो अगर आप बैंक में लेना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करके रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि परसेंटेज दिखा रहा है ट्रेडर का। सो हाई परसेंटेज जिसका होगा उसमें आपका ट्रांसफ़र रेट सही रहता है। आपके पास जितना USDT है उस हिसाब से आपको सेलर को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट के अंदर ही आप इस सेलर को सेल कर सकते हो। सो हर एक सेलर के लिए अलग अलग होता है, तो आपके पास जितना USDT है उस हिसाब से आपको सेलर को चूज करना है। सो मैं एक सेलर को चूज कर लेता हूँ। सो मेरे पास 14 USDT है, तो इस सेलर को मैं ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। एंड आपके पास जितना USDT है यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेल USDT पे क्लिक कर देना है। सो सेल USDT पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो एक टाइमर चलेगा। 30 मिनट के अंदर ही क्रिप्टो जो बायर है वो इन जनरल आपको पेमेंट कर देता है। तो आपको बैंक अकाउंट पे चेक कर लेना है कि आपका USDT का उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट आया है या नहीं आया है। अगर आ गया तो आपको क्रिप्टो को रिलीज़ करना है, अगर नहीं आया तो रिलीज़ नहीं करना है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। सो एक बार आप रिलीज़ कर देते हो तो आपको वापस नहीं मिलेगा। सो ध्यान से आपको रिलीज़ करना है। अगर आपको बैंक अकाउंट चेक कर लेना है, बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र किया, जो पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट किए थे उस पेमेंट मेथड से आपको ट्रांसफ़र किया, तो ही आप क्रिप्टो को रिलीज़ करिएगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा पेटीएम बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर चुका है, जो अमाउंट था वो बैंक अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र कर चुका है। सो मैं यहाँ से क्रिप्टो को रिलीज़ कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म रिसीप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे सबमिट कर देना है। सो प्रोसेस गाइस ध्यान देके प्रोसेस को कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका जो बाइनेंस अकाउंट बैन भी हो सकता है। सो यहाँ पे केयरफुली आपको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है। आपको बैंक अकाउंट में पैसा मिल गया तो आप क्रिप्टो को ज़रूर रिलीज़ कर दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ सकता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा जो बैंक अकाउंट में भी मिल गया और मैं क्रिप्टो को रिलीज़ कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ फॉसेट से आप कोई भी एक्सचेंज पे विड्रॉल लो एंड वहाँ से आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो गाइज अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।